नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सर आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। और आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं लेंस के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ लेंस। तो ये जो लेंस हैं ये एक पारदर्शी माध्यम होंगे। क्या होंगे ये तुम ये ले सकते हैं कि वे पारदर्शी माध्यम जिनका कम से कम एक पृष्ठ क्या हो, एक पृष्ठ गोलिए हो, एक पृष्ठ गोलिए हो लेंस कहलाता है। तो जो लेंस होगा वो पहले चीज तो पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। दूसरी चीज, उसका कम से कम एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गोलिए होना चाहिए, तो वो लेंस कहलाएगा, अन्यथा वो लेंस नहीं कहलाएगा। नॉर्मल यदि हम ट्रांसपेरेंट ग्लास देखते हैं तो उनका कोई सा भी जो पृष्ठ होता है वो क्या नहीं होता, गोलिए नहीं होता। यदि गोलिए कर दिया जाए तो वो भी क्या बन जाएंगे, लेंस बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो जो लेंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम यहाँ लें कि लेंस जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक होता है उत्तल लेंस और जो दूसरा है वो होता है अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस है इसको हम बोलते हैं कॉनवेक्स लेंस और इसको बोलते हैं हम क्या, कॉनकेव लेंस। यदि हम इसकी बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस को बोलते हैं हम उन्नतोदर लेंस। और इसी को यदि हम बात करें यहां पे तो इसको बोलेंगे हम अभिसारी लेंस। एक चीज का ध्यान रखना कि जब हमने दर्पण की बात की थी तो जो अभिसारी दर्पण था वो था अवतल, लेकिन यहाँ पर अभिसारी लेंस जो है वो होगा कौन सा, उत्तल। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज मिलेगा, यहाँ पे किस प्रकार से होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी जो अवतल है इसको बोलेंगे नतोदर लेंस, इसका दूसरा नाम होगा अपसारी लेंस। तो ये ध्यान रखना कि जो नाम है यहाँ पर, ठीक है, अपसारी अभिसारी ये चेंज है। ठीक है, वहाँ पर हमने जो उत्तल के लिए लिया था वो यहाँ पे अवतल के लिए है, जो वहाँ पर अवतल के लिए था वो यहाँ पे उत्तल के लिए है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, लेंस। हम इनमें सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, उत्तल लेंस। तो हेडिंग लगाओ उत्तल लेंस। सबसे पहले हम उत्तल लेंस में देखेंगे इसकी परिभाषा। ठीक है, कि उत्तल लेंस हम कहेंगे किसे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इसकी परिभाषा इस साइड में। देखो, वह लेंस जो मध्य से मोटा हो वह किनारों से पतला हो क्या कहलाता है भाई, उत्तल लेंस कहलाता है। अब इसको यदि हम देखें तो उत्तल लेंस किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर हम दो गोले लेते हैं, एक ये गोला, ये हमारे पास दो गोले हैं। ठीक है,
अब इसके हम इस वाले जो लाइनिंग है इसको थोड़ा सा हम काटते हैं, इसी प्रकार से इसके, ठीक है। अब जो बच गया हमारे पास ये कहलाएगा लेंस, ठीक है, ये वाला ऐसा लेंस, ठीक है। तो ये बीच में से क्या है, मोटा, और किनारों से क्या होगा, पतला होगा, ठीक। अब इसके अंदर इसका जो सेंटर होगा, ठीक है भाई, इस गोले का सेंटर ये होगा, ठीक। तो इसको हम नाम देंगे C1, ठीक है, सेंटर फर्स्ट। इस वाले का जो सेंटर होगा उसको हम नाम देंगे C2, ठीक है भाई, C1 और C2। C1 C2 जो हैं इन्हीं के ऊपर हमारा जो फोकस पॉइंट है वो बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा F2। इससे पहले यहाँ पर इस साइड में बनेगा F1, ठीक है, कौन सा बनेगा, F1, ठीक है। तो इसको हम ले सकते हैं क्योंकि ये पहले वाला है, तो इसको 1F1 और इसको 1F2, ठीक है। इधर एक फोकस पॉइंट बनेगा तो उसको हम लेंगे क्या, F2, ये कौन सा वाला, सॉरी F1, तो ये बनेगा 2F1, और C के ऊपर बनेगा कौन सा, सेकंड वाला, तो हम लेंगे यहाँ पे 2F2, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ से यदि हम इस लाइनिंग को सीधा खींचें, ठीक है, तो ये बन जाएगा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, क्लियर। अब जो इसके पार्ट हैं, ये एक्स्ट्रा पार्ट जो बचा हुआ था इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो ये बन गया हमारे पास कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस के अंदर यहाँ पर देखना, यहाँ से यदि हम एक बीचों बीच एक लाइन खींचे, ठीक है, तो ये बन जाएगा M और N द्वारक, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा जहाँ पर ये मिल रहा है उसको हम प्रकाशिक बिंदु O से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है, किसके अंदर कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे बनेंगे, ठीक। तो दो फोकस पॉइंट रहेंगे इसमें, ठीक है, इधर भी दो रहेंगे और इधर भी दो रहेंगे, एक सेंटर पॉइंट इधर रहेगा, एक सेंटर पॉइंट इधर रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो लेंस बना हमारे पास ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। अब इसके अंदर हमें देखनी है कि प्रतिबिंब जो है वो कितने प्रकार से बनेंगे। तो इसके अंदर 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनेंगे, वहाँ पर अवतल के लिए 6 कंडीशन आई थी, यहाँ पर इसके लिए उत्तल के लिए 6 कंडीशन रहेंगे, किस प्रकार से जो है प्रतिबिंब बनेंगे वो हम देखते हैं। हमने क्या किया, एक बार वस्तु को कहाँ पर रखा, अनंत पर, ठीक है, कहाँ पर रखा, अनंत पर। तो अनंत पर वस्तु बड़ी रखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है और ये रखी गई है अनंत पर। अब हमने सी के पीछे रखा, तो सी के पीछे भी हमें थोड़ी सी बड़ी रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये कंडीशन नंबर सेकंड है। अब हमने वस्तु को कहाँ पे रखा, तो हमने रखा सी पर, ठीक है, ये इसकी कंडीशन नंबर 3। अब हमने, ठीक है, यहाँ 1F2 और 1F1 के मध्य रखा, कंडीशन नंबर 4। फिर हमने कहाँ रखा, ठीक है, 1F1 पर, कंडीशन नंबर 5। और फिर हमने कहाँ रखा, O और 1F के मध्य, कंडीशन नंबर 6, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 6 सिचुएशन में इसको रखेंगे, ठीक है, वस्तु को। जो प्रतिबिंब बनेगा वो फर्स्ट बनेगा कहाँ पर, ठीक है, 2F1 पर। दूसरा कहाँ बनेगा, तो इधर बनेगा नीचे की साइड में, ठीक है, सेकेंड। तीसरा कहाँ बनेगा, तो C2 पर, ठीक है, थर्ड कंडीशन में। फोर्थ कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, चौथे कंडीशन में। और पांचवी कंडीशन में बनेगा अनंत पर, ठीक है, ये हो गई पांचवी कंडीशन, और ये बन गया कहाँ पर, अनंत पर। अब छठी कंडीशन में जो है वो इमेज किधर बनने वाली है, तो वो इसके पीछे बनेगी, ठीक है, यहाँ पर वस्तु को यहाँ पर रखा है तो वस्तु के पीछे बनेगी इधर, ठीक है, तो यहाँ बनेगी छठी प्रतिबिंब की कॉपी, ठीक है, प्रतिबिंब, मिरर इमेज,
ठीक है। तो छठी मिरर इमेज कहाँ बनेगी, वस्तु के पीछे की साइड में बनेगी और बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी और आभासी बनेगी, क्लियर। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के छह स्थितियाँ हमें याद रखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी ये प्रतिबिंब बनते हैं। हम यहाँ लेते हैं क्रम संख्या, यहाँ पे लेंगे बिंब की स्थिति, इधर लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, इधर लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। अब इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो जो बिंब है वो कहाँ पे रखा है, C1 के पीछे, C1 के पीछे अनंत पर। ठीक, तो जो प्रतिबिंब था वो बना 2F1 पर, 2F1 पर यहाँ बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, तो उल्टा वास्तविक व बिंदु साइज। अब यदि हम दूसरा देखें, सेकंड पॉइंट, हमने रखा C1 के पीछे, ठीक है, सिर्फ C1 से कुछ दूरी पर पीछे की साइड में रखा है, तो कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, बनता है 2F1 व 2F2 के मध्य, वैसा ही बनेगा, थोड़ा साइज बड़ी होगी, उल्टा वास्तविक व वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तीसरी कंडीशन देखें हम, तो C1 पर, ठीक है, C1 को ही हम क्या कहते हैं, C1 या क्या कहेंगे हम, 1F2 पर, ठीक है, C1 या 1F2 पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C2 को क्या कहा था हमने, 2F2 पर। ठीक है, तो कोई सी कंडीशन देकर के हमसे पूछ सकता है कि 1F1 पर वस्तु को रखा है तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2F2 पर, यदि C1 देता है तो C2 पर कैसा बनेगा, तो वही उल्टा वास्तविक व वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। अब यदि हम देखें चौथी कंडीशन, F2 व 1F1 के मध्य, 1F2 व 1F1 के मध्य प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो C2 के आगे, ठीक है, C2 के आगे कैसा बनेगा, उल्टा वास्तविक व वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट देखें हम, तो हमने कहाँ पे रखा है इस बार, हमने 1F1 पर, ठीक है, 1F1 पर कहाँ बनेगा, C2 के आगे अनंत पर, ठीक है, वही उल्टा वास्तविक वह वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, क्या हुआ। और लास्ट यदि हम कहाँ रखें, 1F1 व O के मध्य, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु के पीछे, जो हमने वस्तु रखी है उसके पीछे बनेगा, कैसा बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा सीधा आभासी
और वस्तु से बड़ा, आभासी वह वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो ये छह कंडीशनें हैं जो हमें ध्यान रखनी है किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, ठीक है।